फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे लड्डू गोपाल की वीडियो डाले हुए हैं। जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो इसीलिए इस बार मैंने थोड़े अलग टाइप के लड्डू गोपाल बनाए हैं, जो कि मार्केट में फाइबर लड्डू गोपाल के नाम से या फाइबर लाला के नाम से फेमस है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और इनकी हाइट करीब 1.5 फीट की है। फ्रेंड्स, इनको बनाने से ले करके इनकी डेकोरेशन, कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ मैंने खुद ही बनाया है। यहाँ तक इनकी तिलक, नोज रिंग सब कुछ। ये पार्ट वन है जिसमें मैं इनको बनाकर दिखाऊंगी। पार्ट टू में मैं इनको डेकोरेशन करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में से शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम वायर लिया हुआ है जिसकी हाइट 50 इंचेस के करीब है फ्रेंड्स, और इसे हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे और उसे ट्विस्ट कर लेंगे ऊपर से, और नीचे साइड से हम इनका लेग का शेप देंगे। फिर से एक और वायर लेंगे जिसकी लंबाई 16 इंच है, और इससे हम इनका हाथ बनाएंगे। तो हाथ बनाने के लिए इनके बॉडी वाले एरिया पर टेप की हेल्प से इसे अच्छे से बांध लेंगे फ्रेंड्स। हॉट ग्लू की हेल्प से इस वायर के ऊपर फॉइल पेपर को हम चिपकाकर इसे बॉडी का शेप दे लेंगे। आप इस फॉइल पेपर की जगह पे फ्रेंड्स न्यूज़पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक सिटिंग पोजीशन में बैठे हुए लड्डू गोपाल बनाया हुआ, जिसे मैंने पेपर से बनाया था, वो भी आप लोगों की डिमांड पर फ्रेंड्स। उस कान्हा जी की फ़ोटो आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, आप लोग जा करके मेरे चैनल में से देख सकते हैं, और साथ ही इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल के हैंड्स बना लिए हैं, और सेम तरीके से अब इनके लेग के ऊपर भी हम फॉइल पेपर को चिपका लेंगे। अब इनके फेस को बनाने के लिए ढेर सारा फॉइल पेपर लगाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने फुल बॉडी स्ट्रक्चर को फॉइल पेपर की हेल्प से बना लिया है। फेस थोड़ा बड़ा बनाएंगे जिससे इनका लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। यहाँ पर मैंने होममेड एयर ड्राई क्ले लिया है, और इसे हम फेविकॉल लगाकर पूरे बॉडी के ऊपर चिपकाते जाएंगे। यदि आप मेरे इस होममेड एयर ड्राई क्ले की रेसिपी को सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल प्रियाज मल्टीपल क्रिएटिविटी में जाना होगा, लॉन्ग वीडियो ऑप्शन को चूज़ करना होगा, वहाँ पे मेरे इस वीडियो को आप देख पाएंगे। फिर भी यदि आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो फिर आप लोग यूट्यूब में जा करके प्रियाज मल्टीपल क्रिएटिविटी एयर ड्राई क्ले सर्च करेंगे, तो आपको मेरा ये वीडियो आराम से मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने आगे और पीछे के बॉडी पार्ट को क्ले की हेल्प से कवर कर लिया है। जब भी आप क्ले लगाएं, तो पहले आप फेविकॉल का यूज़ करें जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट लेयर हमारा लग चुका है और ये सूख भी चुका है। अब हाथ को हम फोल्ड कर लेंगे जिस भी डायरेक्शन में हमें रखना हो। तो जिस प्रकार से मार्केट वाले फाइबर लड्डू गोपाल दोनों हाथ आगे की ओर रखे हुए रहते हैं, सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो हाथ को आगे की तरफ कर लेंगे। अब हम हाथ के ऊपर क्ले को लगाएंगे, क्ले को लगाते जाएंगे और हाथ में पानी लगाकर इसे चिकना करते जाएंगे। पूरे हाथ में हम एक साथ क्ले नहीं लगाएंगे, क्योंकि फॉइल पेपर बहुत हल्का होता है, और एक साथ क्ले लगाने की वजह से, बारी की वजह से हाथ पूरा नीचे की ओर झुक जाएगा। इसलिए हम दोनों हाथ का आधा हिस्सा में क्ले लगाएंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम नीचे वाले हिस्से को कवर अप करेंगे। ऊपर का भाग जब हल्का सूख जाए, तब हम नीचे वाले हाथ को क्ले से कवर करेंगे, और एक्स्ट्रा पोर्शन को हम कैंची की हेल्प से कट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने दोनों हाथों में क्ले लगाया है, सेम उसी तरीके से दोनों पैरों में हम क्ले से कवर कर लेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब ये सूख जाए, तब हम सिर के ऊपर फेविकॉल लगाकर इनका सिर बना लेंगे। पानी लगाकर इसे चिकना करते जाएंगे।
अपनी मूर्ति को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हम कैनवास बनाएंगे और अब हम इनके लिप को बनाएंगे। तो पहले हम लिप के पास एक होल करेंगे छोटा सा, फिर इनका चिन बनाएंगे और गालों में क्ले लगाकर गालों को मोटा कर लेंगे। लास्टली हम इनके आईज और लिप को बना लेंगे। हमने दोनों हैंड्स को बना लिया है और हम पैर बनाएंगे। तो पैर बनाने के लिए पहले फेविकॉल लगाएंगे और पैर को जितना बड़ा करना है उस तरीके से हम क्ले को लगाकर बड़ा कर लेंगे और फिर हम उसमें टूल्स की हेल्प से उंगलियां बना लेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों में बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फाइबर लड्डू गोपाल बन चुका है। इसका सेकेंड पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।